नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन। आप देख रहे हैं नैतिक टीवी को। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि जब से सूर्या की जय भीम फिल्म रिलीज हुई है, तभी से लगातार जय भीम फिल्म को मनुवादियों द्वारा बैन करने की साजिश की जा रही है। आपको बता दें कि अब जय भीम फिल्म को बैन कर दिया गया है। जी हां मित्रों, आपको बता दें कि चेन्नई से खबर निकलकर सामने यह आई है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अंबुमणि रामदास के नेतृत्व वाली पीएमके और अभिनेता सूर्या के बीच तमिल फिल्म जय भीम को लेकर बन्नियार समुदाय का कथित तौर पर अपमान करने के मुद्दे पर गतिरोध तेज हो गया है। जी हां मित्रों, आपको बता दें कि रविवार को पीएमके कार्यकर्ताओं के एक समूह ने महिला दुथराई जिले के एक थिएटर को एक सूर्या फिल्म की स्क्रीनिंग करने से रोकने पर मजबूर किया। जी हां मित्रों, आपको बता दें कि सूत्रों ने यह कहा है कि पीएमके कार्यकर्ताओं के एक समूह ने पार्क एवेन्यू रोड पर पियरलेस थिएटर के बाहर नारेबाजी की और आपको बता दें कि जहां सूर्या की फिल्म बेल की स्क्रीनिंग होने वाली थी, वहां से आपको बता दें कि सूर्या की फिल्म को वहां से नहीं चलने दिया और आपको बता दें कि वहां पर सूर्या की फिल्म जय भीम को उस जिले में बैन कर दिया गया। अब आपको बता दें कि लगातार यह साजिश की जा रही कि पूरी सभी जगह से जय भीम फिल्म को बैन कर दिया जाए। आपको बता दें कि हालांकि इस जिले में सूर्या की जय भीम फिल्म को बैन कर दिया गया है। आपकी क्या राय है, क्या फिर से जय भीम फिल्म को वहीं शुरू किया जाना चाहिए या नहीं? आप हमें अपनी कीमती प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं किसी अन्य खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।